क्षेत्र में। और आज हमारे साथ हैं RWA के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार प्रेम जी। चलिए जानते हैं कि उन्हें RWA में किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेसिडेंट जी नमस्कार, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि RWA में आपको किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ऐसा है कि हम लोग RWA वाले निस्वार्थ भाव से जो है सो मतलब कॉलोनी की सेवा करते हैं और कॉलोनी में तो परेशानियां इतनी हैं कि जिसका जो है सो मतलब मैं उल्लेख भी नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलोनी में ना तो समुचित व्यवस्था नाली सफाई की होती है, ना ही मतलब सीवर सफाई की है। तो इन परेशानियों से जूझते हुए हम लोगों को जो है हमारे अगर निगम पार्षद के पास में गए तो कह जाएगा कि जो है सो मतलब सीवर लाइन है वो प्राइवेट लाइन मतलब है, अरे वो तो पानी निकासी के लिए जो है हम लोगों ने सीवर लगाया कि ताकि घरों का जो पानी जो है वो मतलब जो है पाइपलाइन के द्वारा जो है बाहर हो जाए, ये कोई मतलब जो है जल बोर्ड के द्वारा जो है सो मतलब हमारे कॉलोनी में जो है सो सीवर की व्यवस्था नहीं है। ये हम लोगों ने कॉलोनी वाले सारे मिलकर के आपस में चंदा करके जो है सो पाइपलाइन लगा करके जो है जो मतलब फ्लड विभाग का जो नाला जा रहा है उससे कनेक्शन अटैच कर दिया है ताकि कॉलोनी के जो घरों के पानी है वो पानी जो है सो मतलब समुचित तरह से जो है बाहर निकल जाए। इस सीवर की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, MCT सरकार या दिल्ली सरकार, और आपको उनका सहयोग मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? देखिए ऐसा है कि दिल्ली सरकार तो मतलब जो है ये कहती है कि जो है सो मतलब हमारे अंदर नहीं आती है, निगम पार्षद कहता है हमारे अंदर नहीं आती है। आखिर अगर मान लिया दोनों सरकार के अंदर ये समस्या नहीं आती है तो ये समस्या किनके अंदर आती है? जहाँ तहाँ ढक्कन टूटे पड़े हैं और ढक्कन लगाने के लिए बार बार विधायक के पास में जाना पड़ता है, कभी एक आध ढक्कन मिल जाते हैं कभी नहीं मिलते हैं। हम लोग अपने मतलब RWA के फंड से या कॉलोनी में जो है भाई बंधु के से चंदा लेकर के उसमें ढक्कन लगाते हैं और प्राइवेट जो है सो मतलब लगा रखे हैं समस्या करने के लिए। लेकिन अगर ये उनके अंदर निगम पार्षद के अंदर या फिर विधायक के अंदर जो है ये नहीं आता है तो हम लोगों का वोट जो लेते हैं वो मतलब जो है सो किस उद्देश्य से लेते हैं? अनऑथराइज कॉलोनी कह करके मान लिया है कि जो है सो हम लोगों का मतलब वोट जो है मिसयूज होता है, ये जो उचित सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। अभी इतना मतलब जो है सो मच्छर है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो निगम पार्षद ही है ना, तो मतलब जो है फॉगिंग हो रही है ना, DDT की छिड़काव हो रही है, समस्या मतलब काफ़ी है हम लोगों को। और उन समस्या से मतलब जो है निजात पाने के लिए हम लोगों के पास में तो कोई फंडामेंटल तो होता नहीं है। मेन तो जो है तो हम लोग तो मतलब कार्यकर्ता हैं, एक निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले, निगम पार्षद के पास में जा करके उनसे मतलब सफाई की व्यवस्था मांगते हैं या फिर MCT विभाग को कहते हैं तो वहाँ से सफाई होती है, लेकिन जिस तरह से सफाई होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ जो है। मतलब जिस स्तर पर आप सहयोग चाहते हैं उस स्तर पर आपको नहीं, सहयोग नहीं मिल पा रहा है? जी नहीं, उस तरह का किसी भी कोई भी सहयोग हम लोगों को नहीं है। आप ज्यादा जिम्मेदार किसे मानते हैं, दिल्ली की सरकार को या MCT की सरकार को? नहीं नहीं देखिए ज्यादा जिम्मेदार तो सफाई विभाग जो है MCT के अंदर है, तो मतलब जो है सो MCT के ही मतलब जो है सो निगम को ही मानेंगे कि जो है उन्हीं की पदाधिकारी जो है सो जिम्मेदार हैं, सफाई तो नहीं MCD वाले करेंगे ना, सिर्फ मतलब दिल्ली की सरकार तो सफाई करने के लिए हमारे कॉलोनी में नहीं आएगा, इसलिए जो है तो मतलब जिम्मेदारी तो जो है सो मतलब ये MCD की ही बनती है और उनसे ही जो है सो हम लोग आशा रखते हैं कि वो सफाई करें। लेकिन अभी जो नया नया चुनाव हुआ है, जब से मतलब ये निगम पार्षद बने हैं तब से अभी तक जो है सो किसी भी तरह की जो है नाली समस्या का समाधान नहीं हुआ है जो है सो। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए हमें बहुत खुशी हुई और आगे भी हम आपका इस तरह सहयोग करते रहेंगे, आपके सवालों को उठाते रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।